अपने क्लाइंट के हेयर को डिज़ायर कलर देना चाहते हो और कंफ्यूज रहते हो कलर के लेवल की लिफ्टिंग क्या रहेगी, कौन से कलर का शेड दिखेगा, रिफ्लेक्शन कौन सी होगी, और अगर कंफ्यूज रहते हो कलर ट्यूब में दिए हुए नंबरों से कि अगर ये सिंगल डिजिट में तो इनका क्या मतलब है, डिजिट के बाद अगर डॉट स्ट्रोक डैश है उसके बाद अगर सिंगल डिजिट है तो क्या मतलब है, डबल डिजिट है तो क्या मतलब है, यही सब कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड यस, वेलकम टू हेयरड्रेसर जोन, आई एम मितुनियाल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज कलर ट्यूब। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर ट्यूब में दिए हुए सिंगल डिजिट नंबर की। ये रिप्रेजेंट करती है हमारे हेयर के नेचुरल कलर के लेवल की लिफ्टिंग को। अब कंपेयर टू यूरोपियन, एशियन हेयर डार्क होते हैं, पर हमारे डार्क हेयर में भी आपको लाइट एंड डार्क का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही यूरोपियन हेयर में। और दुनिया में जितने भी हेयर हैं उनके कलर का शेड आपको देखने को मिल जाएगा ICC इंटरनेशनल कलर चार्ट में, जिसको सारी हेयर कलर कंपनियां फॉलो करती है, चाहे वो लोरियल की मेजिरल हो, वेला की केलोस्टोन या फिर सोस्कोप की रॉयल इगोरा। अब ICC हमारे हेयर के नेचुरल कलर को दिखाती है जो डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है। जैसे नंबर 1 पे है ब्लैक, नंबर 2 पे डार्केस्ट ब्राउन, नंबर 3 पे डार्क ब्राउन, नंबर 4 पे मीडियम ब्राउन, नंबर 5 पे लाइट ब्राउन, नंबर 6 पे डार्क ब्लॉन्ड, नंबर 7 पे मीडियम ब्लॉन्ड, नंबर 8 पे लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 9 पे वेरी लाइट ब्लॉन्ड एंड नंबर 10 पे लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। तो अब बात करते हैं अगर कलर ट्यूब में सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट स्ट्रोक डैश के बाद अगर कोई नंबर है तो क्या है, तो वो है आपका बेस शेड। आपके हेयर कलर की लिफ्टिंग पे कौन से कलर का शेड दिखा जाएगा वो इसी बेस शेड पे डिपेंड करता है, इसे हम प्राइमरी शेड भी कहते हैं। तो जितनी लिफ्टिंग हाई हेयर की होगी उतना ही वाइब्रेंट एंड ब्राइट आपका बेस शेड दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सेम बेस कलर रेड कलर का फ़ोन नंबर पे कर रहे हैं, मीडियम ब्राउन पे कर रहे हैं, और सेम बेस शेड 8 नंबर लाइट ब्राउन पे कर रहे हैं, तो आपको दोनों की ब्राइटनेस पे फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अब सारी हेयर कलर कंपनियां बेस लिफ्टिंग के लिए ICC को फॉलो करती है, पर बेस शेड के लिए इन्होंने खुद के कलर डिज़ाइन किए हैं जिनको इन्होंने कलर ट्यूब पे नंबर भी खुद ही दिए हैं। जैसे लोरियल पॉइंट का यूज़ करती है, पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है वह है बेस शेड या फिर प्राइमरी शेड। अब 0 नंबर पे है इनका नेचुरल, 1 पे ब्लू, 2 पे वॉयलेट, 3 पे गोल्ड, 4 पे कॉपर, 5 पे रेड वॉयलेट मीन्स मोहगनी, 6 पे रेड, 7 पे ग्रीन एंड 8 पे मोका। ऐसे ही है सोस्कोप रॉयल इगोरा, ये यूज़ करते हैं डैश का। इनके डैश 00 पे है एक्स्ट्रा नेचुरल, डैश 0 पे नेचुरल, डैश 1 पे सोंड्रे, डैश 2 पे एश, डैश 3 पे मैट ग्रीन, डैश 4 पे बीच म्यूटेड गोल्ड, डैश 5 पे गोल्ड, डैश 6 पे अर्बन चॉकलेट, डैश 7 पे कॉपर, डैश 8 पे रेड, डैश 9 पे वॉयलेट। नाव वेला का केलेस्टोन ये यूज़ करते हैं स्ट्रोक का। इनका स्ट्रोक 1 पे है एश, स्ट्रोक 2 पे मैट, स्ट्रोक 3 पे गोल्ड, स्ट्रोक 4 पे रेड, स्ट्रोक 5 पे मोहगनी, स्ट्रोक 6 पे वॉयलेट, स्ट्रोक 7 पे ब्राउन, स्ट्रोक 8 पे इनका है ब्लू, स्ट्रोक 9 पे सोंड्रे। अब अगर आप कोई कलर ट्यूब यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये डिजिट मेंशन है तो आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि स्ट्रोक पॉइंट डॉट से पहले जो नंबर है वो है आपके कलर के लेवल की लिफ्टिंग, और स्ट्रोक पॉइंट डॉट के बाद जो नंबर है वो है आपका बेस शेड। एग्जांपल के लिए 5-6 लाइट ब्राउन की लिफ्टिंग पे चॉकलेट का बेस शेड, या फिर 8.3 लाइट ब्लॉन्ड की लिफ्टिंग पे गोल्ड का बेस शेड, ऐसे ही 7-7 मीडियम ब्लॉन्ड की लिफ्टिंग पे ब्राउन का शेड। अब अगर कलर ट्यूब में पॉइंट स्ट्रोक डैश के बाद डबल डिजिट मेंशन है तो वो क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो पॉइंट स्ट्रोक डैश से पहले जो था वो वही है आपके कलर के लेवल की लिफ्टिंग, पॉइंट स्ट्रोक डैश के बाद जो है वो है प्राइमरी शेड, बेस शेड। अब जो नया डिजिट ऐड हुआ है वो है सेकेंडरी शेड, जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। एग्जांपल के लिए 8-3-4 इसमें लाइट ब्लॉन्ड की लिफ्टिंग दिखेगी, 3 जो प्राइमरी कलर है उसका बेस शेड दिखेगा गोल्ड, 4 जो है रेड उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी जो है सेकेंडरी कलर, हल्की सी रिफ्लेक्शन दिखेगी, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी, पूरा कलर आपका दिखेगा जो दिखेगा वो दिखेगा बेस शेड का, बट हल्की सी रिफ्लेक्शन होगी उसमें रेड कलर की, गोल्ड का बेस शेड एंड रेड की रिफ्लेक्शन। ऐसे ही L-55 इसमें 8 लेवल की लिफ्टिंग दिखेगी जो है लाइट ब्लॉन्ड, 5 पे है आपका गोल्ड, गोल्ड का
रिफ्लेक्शन एंड गोल्ड का बेस कलर दोनों इसमें दिखेगा, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रा गोल्ड। और 7.83 इसमें दिखेगी 7 की लिफ्टिंग, जो है मीडियम ब्लॉन्ड। और मोका का बेस शेड एंड रिफ्लेक्शन दिखेगा इस पर गोल्ड का, हल्का सा गोल्ड का रिफ्लेक्शन। तो यही थी वीडियो कलर ट्यूब से रिलेटेड। आई होप कलर ट्यूब चूज़ करते टाइम आपको ये नॉलेज हेल्प करे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी चैनल पे नेक्स्ट वीक इसी और वीडियो के साथ। बाय।